अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं जिस जगह पर हूँ वो बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट जगह है। ये मुकाम है दरिया सतलुज का और मैं दरिया सतलुज की पुल के ऊपर खड़ा हूँ। आप देख सकते हो कितनी बड़ी पुल है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। आई थिंक मेरे ख्याल से तकरीबन है ये 25-20 एकड़ की है ये पुल, बड़ी लेंथ में है यार, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ अपना। देखो अभी दरिया में पानी नहीं है, सूखा हुआ है, गर्मी में पानी इसमें आता है। वो देखो अब हाँ वहाँ उस जगह पर पानी दरिया का खड़ा है, लोगों ने यहाँ भैंसे वगैरह चला रहे हैं, वो आप लोगों को भैंस नज़र आ गई होगी। देखो ये कितना खूबसूरत है भाई, बड़ा दरिया वगैरह है, अभी दोनों तरफ से है, उस तरफ से उस तरफ से उस साइड से भी दरिया का पानी है, तो देख सकते हो फंसने और हारने लोग किस तरह जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये दरिया तकरीबन दरिया सतलुज बहुत ज़्यादा पुराना दरिया है, और ये दरिया सतलुज जो पानी आता है ना वो इंडिया से पानी आता है, तो इन दोनों में जो इंडिया वाले हैं वो पानी नहीं छोड़ते। हमारा जो हमसाय मुल्क इंडिया वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक बहुत ही शरीक जैसे होते हैं ऐसा मुल्क है, वो कुछ पानी नहीं छोड़ते, जब वो डूबना शुरू हो जाता है तब वो पानी छोड़ते हैं। जो आप देख सकते हो दरिया सतलुज में बड़ी सूखा पड़ा है, यहाँ पानी अभी नहीं है, ये रेत है और दरख्त भी उगर चुके हैं क्योंकि पानी नहीं है। तो देख सकते हो भाई कैसा नज़ारा है, बड़ा प्यारा है भाई। हाँ ये लोग जा रहे हैं, देखो कैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तेजी से, इतनी बड़ी फोटो यार, कमाल की है यार। मैंने सोचा भी एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इधर मेरा आज आना हुआ है तो मैंने स्पेशल मैंने सोचा वहाँ दोस्तों के लिए वीडियो बनाता हूँ। देखते हैं भाई कौन कौन दोस्त मेरी वीडियो को देखते हैं, और ये देख सकते हो ना वो भी आपको नज़र आ रहा होगा वो भी, हाँ कुछ जगहों पर पानी खड़ा है दरिया का, लेकिन अभी पानी नहीं है दरिया का, बिल्कुल ज़मीनें सूखी पड़ी है, लोगों ने गंदम वगैरह की फसल काट पी हुई है। आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ दरिया ही दरिया है, ये दरिया सतलुज जो जो कि सबसे बड़ा दरिया है, दरिया सतलुज हो गया, ये बहुत बड़े दरिया है, इनका बहुत ज़्यादा बड़ा बेट है, बहुत बड़े दरिया है। चलो ओके गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा।